अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इफ़त और आप देख रहे हैं सैयदा इफ़त एंटरटेनमेंट द न्यू चैनल। ओके, तो यहां पर मैं प्री रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी, आप सबके सामने प्रिपरेशन चल रही थी मेरी, लास्ट जो मेरा व्लॉग्स थे तो यहां पर से मैं कंटिन्यू कर रही हूं और मैं बना रही हूं यहां पे चीज़ बॉल। तो रेसिपी आपके सामने चल रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट डलेंगे इसके अंदर, अदरक लहसुन है, काली मिर्च है, ब्रेड क्रम्स, नमक और सोया सॉस, और इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैंने ब्लेंड करने के बाद इसको जो है वो अपना जल्दी से अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो पीस लिया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है यार रेगुलर यूजेस पे। यहाँ पर मैंने रखने के बाद इसको जल्दी जल्दी से बना लिया मैंने अपने चीज़ बॉल, चीज़ को रखा सेंटर में और उसके बॉल बना लिए, ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के इसको रेडी करके फ्रोज़न कर लिया। उसके बाद मैंने बनाई है लाल मिर्चों की चटनी, ये हमारी रेगुलर यूजेस पे है तो इसलिए ये भी बना के हमने पहले ही रख ली है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो इसमें मैंने यूज़ करे, जो हमारे घर में अक्सर और बेशतर डब रोटी बच जाती है लेफ़्ट ओवर, तो उसको आप जो है वो ज़ाया ना करें, आप लोग उसको ट्रे वगैरह में जो है वो सुखा दें पंखे के नीचे, या अगर आपके घर में सेफ साइड पे धूप आती है तो वहाँ पे उसको सुखा दें, वो बिल्कुल जब कड़क हो जाए, क्रिस्पी सी हो जाए तो आप उसको ब्लेंड कर लीजिए, तो इस तरह आप लोगों की चीज़ भी जो है वो काम में आ जाएगी। यहाँ पर आना भी आ गई हैं, स्कूल से आज पेपर था और नहा के बिल्कुल रेडी, और हसान जो है तैयार हो रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और हानिया भी। अच्छा जी, बच्चों के ओरल पेपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गए हैं, आज से जो है बच्चों के रिटन पेपर हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक कामयाब करे तमाम बच्चों को, यार बहुत मेहनत हो रही है मेरी भी और बच्चों की भी। दोपहर के खाने में मैंने खाया था तंदूर की तली हुई रोटी और शामी कबाब, बच्चों ने तो कुछ और खाया था, बच्चों ने खाया था कीमा आलू और पराठे। शाम में इनके बाबा जो है आज अपनी बेटी की फरमाइश पर लेकर आए थे गोल गप्पे, तो क्योंकि इनको याद आ रहे थे तो इन्होंने खाए गोल गप्पे और हम सब ने भी खाए थे, और उसके बाद हम फौरन बैठ गए हैं स्टडी के लिए, क्योंकि रिटन पेपर अब स्टार्ट हो गए हैं और लेंथी हैं, आप सबको बताया गया बड़ी क्लासेस होती हैं तो पूरी जो है वो तवज्जो देनी पड़ती है बच्चों को यार, और बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ाती हूँ तो इसलिए जो है वो पूरा जो है हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों भी पढ़ रही हैं अपना अपना, और बस यार दिन कैसे गुजर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से दिन गुजर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा काम काम में कब दिन ख़त्म हो जाता है, कब शुरू हो जाता है पता ही नहीं लगता हमें। खैर, थोड़ी देर पढ़ने के बाद जो है अना भी कहने लगी मम्मा आप थोड़ी देर ज़रा गैप दे दें अब, ताकि मैं मिट्टू से थोड़ा सा खेल लूँ। मैंने कहा ठीक है आप मिट्टू से खेलें। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिसके पास से भी मेरी ये वीडियो गुजर रही है प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं पहले भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे इसी तरह मुलाकात करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।